यहाँ गैस सी बनती है पेन सा होता है कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी पर जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो चूरण खा लेना त्रिफला का ले गट हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है त्रिफला जो शुगर के पेशेंट को हम देते हैं डायबिटीज कंट्रोल पाउडर बहुत सारे मेल्स जो है इंटरकोर्स करने के बाद काफी ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं उनका होता है स्पर्म वीक होता है ब्लड वीक होता है खून की कमी हो जाती है एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल के साथ अगर गबरू पाउडर लिया जाए तो कमाल के रिजल्ट आते हैं जैसे रोमांस नहीं होता लाइफ में भूल ही गए जीवन बहन भाइयों की तरह हो गया है ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है एक्स प्लस गोल्ड तो वो बैंड जब उनको दिया वो लेके गए मेरा अभी बहन भाइयों की तरह रहते कहते नहीं अब तो लगता है दोबारा सगाई होगी हमारी <laughs> नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान जो कि वरदान आयुर्वेदिक कंपनी के एमडी हैं सुभाष गोयल जी तो आइए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कैसे है आप जी आपका भी अनुशिका बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार जी सर आपको भी देख पा रहे फिट एंड फाइन एज ऑलवेज बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए हैं इस एपिसोड में तो आगे बढ़ेंगे सर और सबसे पहले आज सवाल जो मेरा है वो रसोई घर और किचन से रिलेटेड है आजकल हर इंसान चाहता है कि वो घर का खाना खाए लेकिन कई बार लोग घर का खाना खाते हुए भी बीमार पड़ जाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है और रसोई घर यानी किचन में जो घर के किचन जो महिलाएं चलाती हैं उसमें क्या क्या बदलाव और चेंजेस लाने की जरूरत है? देखो अनुषिका आज ना एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमारा जो खान पान है वो तो गड़बड़ हुआ ही हुआ है लेकिन हमारा जो व्यापार है वो भी खराब हो गया व्यापार इन द साइंस की दूध में दही में दालों में सब्जियों में आटे में रसोई में व्यापार घुस गया है अच्छा हर चीज़ में व्यापार पहले नहीं होता था पहले लोग व्यापार करते थे कपड़े में करते थे जी। और कॉस्मेटिक में करते थे और जमीनों जायदों में करते थे और ये स्पेयर पार्ट बहुत सारी चीज़ों में व्यापार था लेकिन अब ये व्यापार दवाइयों में मेडिकल सिस्टम में भी हर जगह पे व्यापार घुस गया व्यापार का मतलब है प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ से हो चाहे वो कहते हैं किसी की जान लेके क्यों ना हो प्रॉफिट हो तो अब दूध में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि इंसान दूध पीते हुए डरता है सही बात है अब जहर खाते नहीं डरता बंदा वो कहता है खाओ मरो लेकिन दूध पीते हुए डरता है अब इंसान सब्जी खाते हुए डरता है केला सेब अमरूद अखरोट खाते हुए डरता है क्यों डर रहा है क्योंकि उसको ये पता चल गया कि बादाम को एक ऐसी मशीन के बीच में से निकालते हैं कि बादाम तो वैसे ही रहता है तेल निकल जाता है उसका सही बात है मिलावट ज़्यादा बचा क्या तो ऐसे ही अखरोट है अब अखरोट में इतनी वैरायटी है कोई सोच भी नहीं सकता सही बात है अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको अखरोट को लेके याद आ गई बाकी आपका टॉपिक वैसे ही चलेगा ये मैं बीच में बता दू की अखरोट को अगर आप जला दो जी। जला के उसको कोयला कर दो अखरोट को जला दो जला के कोयला कर दो उसको बंद का बंद जला दो ऐसे ही तोड़ो फोड़ो जब वो जल जाए कोयला हो जाए उसके बाद उसको ठंडा होने तक रखो ठंडा होने पर उसको अच्छे से उखली में डाल के कुट लो पीस लो पाउडर बना लो जी उसका इतना महीन पाउडर बना लो कि कपड़े में छन जाए जब वो कपड़े में छन जाए तो वो छना हुआ जो पाउडर है उस पाउडर को आप लेकर के उसके अंदर नारियल का तेल मिला दो जी। थोड़ा सा चम्मच 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 वो 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 एक एक मिक्स मिक्स करो, दो चम्मच तेल, एक चम्मच मिक्स करो, दो तेल पाउडर पाउडर जो है, उन लोगों के लिए बहुत गुणकारी है जिन लोगों की स्किन के ऊपर सफेद दाग हो जाते हैं। अच्छा फलवेरी के दाग हो जाते हैं अगर साथ में इसके अंदर रतन का मिला दिया जाए थोड़ा सा असर जैसे रतन रतनजोत एक जड़ी बूटी है लकड़ी समान होती है शक के समान होती है ये एक बुरादा सा होता है उसको अगर आप लेकर के साथ ही उसको पानी में डिप कर दें रात को एक चम्मच पानी में आधा चम्मच वो डाल के डिप कर दे उसको भी साथ में मिलाकर लगा अच्छा तो ये आपके वाइट स्पॉट जो आ जाते हैं उनको

उसी पे बात करेंगे कि खाने में हमें चाहिए कि वो खाना जो है पौष्टिक कैसे रखा जाए। सही बात बात आई थी अखरोट की अखरोट की बात मैंने उसका दूसरा भी काम काम बता दिया कि वो क्या काम करता है। जी। इसी तरह हर चीज में मिलावट हो गई अब मिलावट जब हो गई तो पहले तो लोगों के जो हाइट है वो कम हो गए हाँ। पहले लंबे लंजे लोग होते थे अब हाइट कम हो गई अब धीरे धीरे लोगों की हेल्थ कम हो गई अब चेस्ट कम हो गई अब देखो चेस्ट के कारण कितने लोग फौज में भर्ती होने से रह जाते हैं पुलिस में भर्ती होने से रह जाते हैं है ना तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो हैं इन्होंने घर कर लिया अब हम जैसे लोग आते हैं अब हम लगभग चार दशक से काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में तो काम करते 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 ये देखा कि लोग उतने बीमार नहीं हैं जितना उनको स्ट्रेस है जितना उनको वहम है कि हम बीमार हैं बीमार बीमार नहीं है लेकिन जो बीमार हैं उनका इलाज होता है जो वहम में है जिनको स्ट्रेस है उनका क्या इलाज करे इंसान उनको तो बातें ही बता सकते हैं कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले ठीक हो जाएगा लेकिन फिर भी वो वहीं पे रुका होता है कि मेरे को सर लगता है मेरे को ये बीमारी है अपने आप से ही डॉक्टर बताता नहीं खुद कहता रहता है कि कहीं डॉक्टर साहब ये देखिएगा गोल साहब यहाँ गोली सी बनती रहती है कहीं कैंसर तो नहीं है जी। अपने आप ही यहां गैस सी बनती है पेन सा होता है कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो चूर्ण खा लेना त्रिफला का गट हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है त्रिफला अब त्रिफला में मैं बताऊंगा आपको छोटी सी बात अब ये बनाया त्रिफला अमृत त्रिफला नॉर्मल मार्केट में मिलता है त्रिफला अमृत को बनाया बैदबान कंपनी ने अब जब से वैदबान कंपनी ने त्रिफला अमृत बनाया तो त्रिफला के अंदर एक बूम आया लोगों को समझ आई कि ये क्या चीज़ है क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रजोर बोला है कि ये क्या चीज अब त्रिफला में वन परसेंट टू परसेंट एंड फोर परसेंट वन परसेंट इसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला वन टू एंड फोर की रेशो का अब ये जब हम देते हैं लोगों को तो लोग इसका जब चम्मच खाते हैं और दूसरा त्रिफला खाते हैं डिफरेंस पता चलता है अच्छा। तो जितने हमारा गूगल पे जाइए आप वेबसाइट पे चले जाइए डब्ल्यू पे जब आप जाएंगे वहाँ पे त्रिफला सबसे पहले आता है हमारी पंचम हल्दी सबसे पहले आती है अब त्रिफला की बात बता दूं आपको कि इसको खाना कैसे है इसका एक चम्मच शाम को पाँच बजे पुरुषों के लिए अब महिलाओं के लिए कैसे है? कि रात को पानी में डिप कर देना एक चम्मच एक गिलास में सुबह उठ के खाली पेट पीना है इसको तो आप जिंदगी में चेंज देखेंगे कितनी आ रही है आपकी लाइफ में चेंज कितनी आ रही है बाल झड़ रहे थे वो रुक गए नज़र कमज़ोर हो रही थी वो ठीक होने लगी स्किन खराब हो रही थी वो ठीक होने लगी बीमारियां बढ़ रही थी वो ठीक होने लगी पैरों में आग निकलती थी अब डायबिटीज के पेशेंट हैं शुगर के तो उनके पैरों में जलन होती है जो ज़्यादा दवाइयाँ खा खा के रहते हैं उनके पैरों में आग निकलती है उनके लिए ये रामबाण एक दम से काम करता है तो ये त्रिफला पाउडर जो है इसको हमने जो आपको बताया ये आप अगर डेली लेते हो तो आपकी गट हेल्थ को ये ठीक करने में मदद करता है और दूसरी चीज आप जाइएगा गूगल पे जी सीधा गूगल पे जाइएगा क्रोम पे जाइएगा कहीं भी सिस्टम में चले जाइएगा जाके आप लिखिएगा पंचम हल्दी ये हल्दी जो सुभाष गोयल आपके सामने लेकर के बैठे हैं सिर्फ यही हल्दी आप वहां पे देखोगे अच्छा। सबसे पहले नंबर पे आती है क्यों क्योंकि लोगों ने इसको इतना लाइक किया इतना क्लिक किया इतना इसके बारे में रीड किया कि ये नंबर वन पे आ गई आई क्यों क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी मैडम नंबर एक इसके अंदर काली हल्दी डाली गई फिर इसके अंदर पीली हल्दी डाली गई फिर इसके अंदर अंबा हल्दी डाली गई फिर इसके अंदर दारू हल्दी डाली गई फिर इसके अंदर जंगली हल्दी डाली गई पांच हल्दियों का ये मिश्रण बना पंचम हल्दी अब ये पंचम हल्दी जब काम करती है तो ये हार्ट लीवर ब्रेन पेंक्रैटिक सिक्रेशन एंड यूरनल सिक्रेशन जो आपका बाथरूम एरिया है वहाँ पे किसी तरह की गर्मी है दर्द होता है पेन होते हैं जैसे लड़कियों को पीरियड के समय पेन होती है बॉयज को जेंट्स को पेन होती है तो ऐसी जो प्रॉब्लम है उसके लिए डिसेंट चीज है और लोगों ने इसको अपनाया और हमें इसके लिए बहुत सारे लोगों का थैंक यू आता है और सबसे ज्यादा थैंक यू जो लोग करते हैं वो हमें करते हैं हमारा एक प्रोडक्ट आता है वो एक्स प्लस गोल्ड ओके एक्स प्लस गोल्ड जो है ना उसने लोगों की मतलब कि जीवन में जो आई हुई थी ना वो सुस्ती जी, बेकारी उसको पुनर्जीव कर दिया अभी मैं आपको बताऊं एक हमारे पास कपल आए थोड़े दिन पहले जी। मैडम वो डायबिटीज के पेशेंट थे अच्छा अब जो उसकी वाइफ थी वो डायबिटीज के पेशेंट थे और जो सरदार जी थे उनके घुटनों में पेन था तो वो कहने लगे नहीं सॉरी वो उसकी वाइफ को घुटनों में पेन था अच्छा। मुझे याद है कि उसकी वाइफ को घुटनों में पेन था और जो सरदार जी थे हमारे हमारे भाई जैसे हैं वो उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था अब घर में वो दोनों ही बच्चे बाहर गए कोई कनेडा कोई अमेरिका बच्चे बाहर थे वो दोनों ही रहते हैं और दोनों बेचारे बीमार हो गए अब उनकी ज़िंदगी के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो था कि वो आपस में जैसे रोमांस नहीं होता लाइफ में भूल ही गए क्योंकि अब अकेले भी हैं घर में और सब चीज़ें थी वो क्या है कि उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है वो डायबिटीज के कारण बिल्कुल ही उसकी नपुंसकता आ गई जी। तो उनको फिर जब दिया गया जो शुगर के पेशेंट को हम देते हैं डायबिटीज कंट्रोल पाउडर शुगर को कंट्रोल करने का क्या है ये डायबिटीज कंट्रोल पाउडर मैडम इसके अंदर कमाल की चीज है और सबसे पहले मैं बता दू इसके अंदर है अंबा हल्दी अच्छा फिर इसके अंदर है काली हल्दी Osionfish. इसके अंदर है दारू हल्दी इसके अंदर तीन हल्दियों का मिश्रण है चौथा फिर इसके अंदर डाला गया है व्हीट ग्रास पाउडर फिर इसके अंदर डाला गया है जामुन की गिरी का पाउडर जामुन सीड फिर इसके अंदर डाला गया है पत्री, बेल पत्तरी बेल पत्र जो होते हैं उसका पाउडर फिर इसके अंदर डाला गया है अपना क्या नाम लेते हैं करेला का पाउडर और नीम नीम की पत्तियों का पाउडर और गुड़मार बूटी का पाउडर फिर इसके साथ डाला गया कॉटन सीड जो बड़ेमे की गिरी होती है अच्छा। उसका पाउडर कॉटन सीड समझते होंगे विनोला जो है उसको हमारे पंजाब में तो बड़ेमे कहते हैं आपके पता नहीं जो भी कहते होंगे लेकिन कॉटन सीड समझते हैं सारे कि रुई का बीज जो होता है तो वो इसमें डाला जो कि पेंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे के शुगर के लेवल को डाउन करता है कर और बहुत जल्दी डाउन करता है इसके साथ और दो चीज़ें हम देते हैं और जो जो लेडीज हैं उनको जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया जी। तो बोल ही देते हैं ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया अब क्या होता है कि वो डर जाता है पेशेंट कि यार ऑपरेशन होगा हमने तो करवाना नहीं आम लोगों की है इच्छा कि बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें क्या है कि उसमें हम देते हैं काला गोंद अब ये उठाना जी मैडम शीशी हाँ नंबर वन और ये नंबर टू वाला भी देना मुझे ज़रा थैंक यू ये काला गोंद कैप्सूल है अब ये काले रंग का कैप्सूल है एक एक कैप्सूल के ऊपर वैदबान प्रिंट है मैं आपको बताऊं काला गोंद मार्केट में बहुत मिलता है पंसारी के पास बहुत मिलता है खुला मिलता है वो वो खुला दे देते हैं मतलब पाउडर टाइप सा तो ऐसे में हमें नहीं पता उसमें क्या है ना आपको पता है जब उसके ऊपर लिखा ही नहीं है कि काला गोंद है अब ये है काला गोंद इसके ऊपर डाला गया काला गोंद और जटा का मिश्रण अच्छा। और ये कैप्सूल ना मैडम घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो जाता है जिसको कहते हैं कि लुब्रिकेशन खत्म हो गया उनके लिए बहुत फायदेमंद है उनको हम एक कैप्सूल रात को बोलते हैं ये पंचम हल्दी वाले दूध के साथ एक कैप्सूल सोने से पहले तो उसके बाद ये कैप्सूल खा लिया और फिर हम कहते हैं कि एक हमारा ये तेल है ये ये ऐसे स्प्रे करके निकलता है ये बढ़िया वाला पहले हमारा दूसरा आपने देखा होगा एक वाइट कलर की बॉटल में होता था वो सिंपल था ये एक्स्ट्रा वर्जन बनाया क्योंकि तो ये इंस्टेंट पेन को रिलीफ कर देता है मतलब दो तीन घंटे इसके बाद पेन नहीं होता जब ये लग जाता है ये जितने भी एथलीट हैं प्लेयर हैं या जिम वाले लोग हैं उनको हम देते हैं जब मसल पुल होता है अच्छा। तो ये जैसे घुटनों में दर्द है गैप है उसमें बहुत काम करता है ये ये प्रोडक्ट जो हमारा और इसके अंदर सिक्सटी एम ऑयल है एक मंथ चलता है फिर एक चीज़ और बताता हूँ इसको मलना होता है दिन में जैसे पूरी बैक से लेके नीचे पैर तक इसकी मालिश करें धीरे धीरे करें और देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आपको अच्छी नींद आ रही है सो जाइएगा सोना बहुत जरूरी होता है और साथ ही ये इसके दिया जाता है जेल इसका नाम है काला गोंद जेल ये काले गोंद से बने हैं ये काला गोंद तेल है ये काले गोंद का ही जेल है मतलब ये प्योरिटी है इसकी अब जब ये जेल लगता है ना जी ऐसे हम बोलते हैं लोगों को कि मक्के के दाने जितना के लेना है इसके ऐसे छोटी छोटी बिंदियां सी लगा के उसको धीरे धीरे मल देना अपने घुटने के ऊपर धीरे धीरे ऐसे मल देना तो उसके बाद आप देखेंगे कि घुटने में से थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है जी। ये लड़ेगा भी थोड़ा सा अगर ज़्यादा लड़े तो उस पर नारियल का तेल मल दीजिएगा जलन खत्म हो जाती है और ये अपना काम कर जाता है तो ये जल मलने के बाद आप रात को सो जाइए हल्दी वाले दूध के साथ कैप्सूल खा लिया जेल घुटने पे मल लिया और रात को सो गए सुबह जब आप उठते हो बेड से नीचे जब पैर रखते हो जी। पिछले जितने सालों की आपकी तकलीफ थी उससे आपको लगता है कि कितना आराम मिल रहा है जी। और उसी समय आपके मुंह से निकलता है कि वाहि गुरु जय महाशक्ति जी। और सुभाष गोयल थैंक यू थैंक यू सो मच सुभाष गोयल जी ये जब निकलता है बड़ी बात है तो किसी का थैंक यू लेना एक बड़ी बात होती है।, है पैसा कोई भी ले लेगा बातें करके किसी से कोई भी पैसा ले लेगा लेकिन किसी का अंदर से थैंक यू ले लेना ये बड़ी बात है जी तो वो कपल को हम ये दवाई दी साथ में हमने उनको दिया एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल मैंने उनको एक सवाल किया आपको भी ऐसे सवाल करने चाहिए जो लोगों से मिलते जुलते होते हैं तो मैंने उनको एक सवाल किया मैं क्या आप दोनों अकेले रहते हो कितने साल हो गए आपको आपस में मिले हुए बातचीत किए हुए रोमांस किए हुए बड़ा हंस के उसने जवाब दिया लेडीज ने कहती भाई साहब क्या बताएं अब तो जीवन बहन भाइयों की तरह हो गया है ऐसे रह रहे हैं घर है। मतलब मुझे उनकी बात सुन के ऐसे ही हंसी आई जैसे अभी आप हंसे तो हंसे हम वो भी हंसे हंसना भी जरूरी होता है जिंदगी में लेकिन मैंने फिर उनको बोला कि आप लेके जाइए एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल दवाई आप खाइए इसके साथ आपका थोड़ा सा अंदर से इमोशन जागेगा अच्छा लगेगा आपकी जीवन में एक रोमांस आएगा क्योंकि वो भी एक एक्सरसाइज एक होती है अगर वो नहीं है तो आप जितना मर्जी खाते पीते रहो कुछ भी करते रहो अगर आप जीवन में आपके कोई प्यार मोहब्बत नहीं है तब भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैंने जब उनको दिया वो लेके गए पूरी दवाई लेके गए उसके साथ मैंने उनको दिया क्या था मैं आपको बता दूं ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है एक्स प्लस गोल्ड ये ना मैडम पंजाब का नंबर वन है और आजकल ये गूगल का नंबर वन है okay. क्योंकि गूगल पे हमने क्या किया पंजाब में इसको हम दे रहे हैं लगभग उन 2018 लग से मैक्सिमम बना था ये 1992 में बनाया था हमने लेकिन इसको हमने सही तरीके से 2018 में पेश कर दिया लोगों को क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत थे तो जैसे हमने देना शुरू किया जी. तो बहुत फायदा हुआ लोगों को हुँ. अब क्या हुआ कि हमें पंजाब में हमने इसकी पूर्ति कर दी पंजाब में जितना मेडिकल स्टोर है सब पे पड़ा है अब वहाँ लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कंपनी पूरा करती है अब उन लोगों ने इसको इतना सपोर्ट दिया कि अब इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दी गई अब इसको हमने पूरे देश में देने का कमिटमेंट किया अभी आप गूगल पे जाएंगे आप सर्च करेंगे डब्लू डब्ल्यू आप उस पर सर्च करेंगे एक्सप्लस गोल्ड कैप्सूल खुल के आएगा सामने उस पर लिखा होगा बिल्कुल फ्री अच्छा हाँ और ये ये पांच कैप्सूल की जो डब्बी है पांच कैप्सूल की जो बॉक्स प्लेन बॉक्स है छह सौ तीस रूपए का है ओके तो हमने लोगों को बोला कि दो सौ उनचास रूपए दे करके आप पांच कैप्सूल फ्री लीजिए फिर उन्होंने कहा जी, दो सौ उनचास रूपए किस चीज के मैंने कहा भाई लॉजिस्टिक जो है जो पैकिंग है डिस्पैचिंग है उसके बाद भेजने का खर्चा है सारी चीज़ें क्योंकि स्टाफ के चालीस पचास लोग लगे हुए हैं इसकी पैकिंग के डब्बे लगते हैं सब कुछ। वो हम उनसे लेते हैं तो बाकी हमने छोड़ दिए जो कैप्सूल के पैसे थे कि इसको आप अजमाइए क्योंकि लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हमने सोचा कि हम पांच कैप्सूल एक करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री दे देंगे जब वो खाएंगे अजमाएंगे तब विश्वास करेंगे अब अजमाएंगे तो विश्वास करेंगे तो नेचुरली चीज है कि उसमें दम होगा जी। फ्री भी हमने इसीलिए दिया हमें पता है कि जब खाएंगे तो पता चलेगा कि वाकई इसमें कोई दम है तो जब वो सेकंड मंथ मेरे पास आए ना मिया बीबी उन्होंने आकर के मुझे कहा कहते थैंक यू गोल साहब मैं किस बात का जी। कहते यार हम तो भूल ही गए थे जिंदगी में जीना तो कहते शुगर भी ठीक है घुटनों का दर्द भी ठीक है लेकिन उससे ज्यादा हम दोनों ठीक हैं मैं है अभी बहन भाइयों की तरह रहते है, कहते है, नहीं अब तो लगता है दोबारा सगाई होगी मतलब होती है ना जी ये जिंदगी को जैसे अभी आप देखो ये बात सुन के कितना हंसे कितनी बातें करी मैंने उसपे हंसी नहीं आई इस इसपे मन खुश हो गया ना तो ये चीज है मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई साहब अपने घर में एक नई चीज पैदा करो जी। हर हर जो सासू माँ है अगर वो अपनी बहू को बोले लवजू बेटा वो बहू बोले लवजू माँ बेटा बोले मेरी माँ आई लव यू हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोले कि यार तू तो आज बड़ी सुंदर लग रही है जी। है ना वो बोल दे कि कम तो तू भी नहीं है अभी मतलब ऐसी बातें अगर घर में होंगी बीमारियाँ आ ही नहीं सकती एकदम आपको लगा ना कि चेंज हो जाएगा अभी आप घर पे जाएंगे अपनी मम्मा को बोल के देखना मम्मा लव यू देखना कैसे आपकी सब्जी में घी डालती हैं मतलब <laughs> फर्क पड़ता ही पड़ता है जब हम प्यार करते हैं किसी को प्यार देते हैं अब किसी किसी गंजे आदमी को हम कहें और भी गंजे क्या हाल है कितना बुरा लगेगा उसको ना। है ना अगर हम उसको बोले कि भाई कैसे हो आप चमक रहे हो आप ना। ना। तो कितना खुश हो जाएगा इसमें क्या फर्क पड़ा है ना बात तो वही होगी एक लोग एक एक आदमी कहता है वो आपके पिताजी आ रहे हैं दूसरा कहता है आपकी माँ का खासम आ रहा है बात तो वही है ना बस शब्दों का कितना बड़ा खेल है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने घर में प्यार मोहब्बत बना के रखो अपने परिवार में प्यार मोहब्बत बना के रखो बीमारियाँ आपके दरवाजे से वापस चली जाएगी ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जिस घर में खुशियाँ हैं उस घर में दुख आ ही नहीं सकता और जिस घर के लोग खुश हैं वो कभी भी एक दूसरे को बीमार होने ही नहीं देते मैं ये सच जानता हूँ ये मैंने देखा है क्योंकि हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो तो हमेशा कहते हैं कभी भी चढ़ी कला चाहिए चढ़दी कला जेडी है खुशी है एक ये हर घर च होनी चाहिए हर परिवार च होनी चाहिए जी बहुत सही बात कही आपने एंड वाकई दवाइयाँ जो है मैजिकल है आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं पूछूंगी रिलेटेड टू इसी दवाई से है कि बहुत सारे मेल्स जो हैं इंटरकोर्स करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं तो उस वक्त वो क्या करे गोयल जी की उनमें कमज़ोरी ना आए हाँ देखो जो लोग ऐसे होते हैं उनको वैसे तो एक्स प्लस गोल्ड हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उनका होता है स्पर्म वीक होता है ब्लड वीक होता है खून की कमी हो जाती है उन लोगों को उसके बाद चक्कर आता है थक जाते हैं उनके लिए हमने बनाया हमारी कंपनी ने बनाया एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम भी हमने ऐसा रखा कि उसका नाम लेने से आदमी में जोश आ जाता है अच्छा गबरू पाउडर ओके गबरू का मतलब हमारे पंजाब में कहा जाता है कि नौजवान तकड़ा शोरा उसको हम बोलते हैं गबरू कि अब ये गबरू हो गया जवान हो गया इसकी शादी करो ऐसे बोला जाता है तो उस हमने प्रोडक्ट का नाम रखा गबरू पाउडर रखा था जब मिक्का भाई साहब ने गाना गाया था गबरू पे तो महंगा यार ये बड़ी बढ़िया चीज़ है इसका नाम ही वो हमने रजिस्टर्ड करवाया पेटेंट करवाया औषध को तो वो दवा जब हम देते हैं इंसान को उसको लेने से ही उसके मुंह पे खुशबू मतलब चमक आ जाती है कि यार ये खा के मैं ठीक हो जाऊँगा तो वो ठीक हो जाते हैं तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल के साथ अगर गबरू पाउडर लिया जाए तो कमाल के रिज़ल्ट आते हैं और कमाल का जीवन होता है और जो भाई साहब चालीस साल से ज़्यादा उम्र हो गई है बीमारी कोई भी हो चिंता मत करना चाहे लीवर फैटी हो बुखार चढ़ता हो कुछ भी हो चिंता मत करना अगर आप अपने घर में खुशी लेके आते हो घर की खुशियाँ बरकरार रखते हो तो बीमारियाँ बीमारियाँ कुछ नहीं होती गबरू पाउडर और एक्स प्लस जीवन भर खा सकते हो ये नहीं होता कि अभी खाया अभी का ऐसा कुछ नहीं है ये आपको जीवन भर स्ट्रांग रखेगा 18 साल से लेके अट्ठासी साल की उम्र तक तो इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये फायदा करता है बाकी बहुत बड़ी चीजें हैं आप इनको खाओगे आजमाओगे तो आपको फायदा मिलेगा और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कहीं सुनी बातें जो होती हैं उनके ऊपर विश्वास ना किया करो हमेशा ये देखो कि प्रोडक्ट सही है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है इसके ऊपर मैनुफेक्चरिंग डेट है मैन्युफैक्चर किसका है मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस इसके ऊपर छपा हुआ है तब जा कर के प्रोडक्ट लिया करो आजकल कर बहुत कुछ हो रहा है तो अपना ध्यान रखो अपने बच्चों का ध्यान रखो आपके परिवार का अपने आप भला होगा जी बहुत सही बात इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप प्रोडक्ट लीजिए क्योंकि कई बार नकली प्रोडक्ट आपको नुकसान देगा और फिर आप थैंक यू गोयल जी कैसे कह पाएंगे <laughs> आगे बढ़ते हुए सर एक और सवाल जैसे फैटी लेवर की आपने बात की फैटी लेवर आजकल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक इंसान को होती है चाहे वो नौजवान इनफैक्ट यूथ में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है आजकल तो इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन सी दवाई है में जो खाई जा सकती है देखो फैटी लीवर के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं बहुत सारा काम हो रहा है बहुत सारे लोग इस पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत सारा चल रहा है इस लेकिन फैटी लीवर एक ड्राबा दे दिया गया है लोगों को डरा दिया गया है कि फैटी लीवर ग्रेट वन ग्रेट टू ग्रेट थ्री जब उसको पूछो भूख ठीक लगती है हो कितना ठीक है नींद ठीक करती है ठीक है अंदर से ठीक है ठीक है गट हेल्थ ठीक है ठीक है तो क्या हुआ भाई हटी लीवर कहाँ से आ गया जब उसने फाइब्रो स्कैन कराया उसमें आ गया जब वो लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ हमेशा एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट ज्यादा चक्कर में ना पड़ो सिंपल लीवर का शुगर होती है आप शुगर का टेस्ट करवाते हैं ना तो ऐसी जब लीवर की प्रॉब्लम आ गई तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लो उसमें ऐसी ओ टीपी टी बड़े हों जी जी टी बड़े हों तब आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो दबा ले लीजिए उसके लिए हम आपको बताएं अगर सारे लोग एक काम कर लेंगे कि भूमि जो अमृत के नाम पे रजिस्टर्ड है उसका एक चम्मच डेली रात को पानी में डालें सुबह खाली पेट पी लें सुबह फिर पानी में डालें शाम को फिर पाँच छह बजे पी लें तो लीवर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती और लीवर के लोग रोगियों को एक और खुशी की बात मैं बता दूं कि सुभाष गोयल ने बहुत मेहनत करी है ये कहने की बात नहीं आप सब जानते हो लेकिन एक चीज हमने जरूर करी है।, है सोचा था कि जाते जाते दुनिया से जाना सबने है कोई नहीं रहेगा कि ऐसी चीज़ दे के जाएंगे जो हमारे आने वाली जनरेशन को काम आए जैसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं तो हमने लिव एक्शन कैप्सूल जो है इस कैप्सूल को हमने क्या किया गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाया क्लिनिकली लैब टेस्ट करवा के अब ये क्लिनिकली लैब टेस्ट होने के बाद ये प्रमाण हो गया है कि लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे फैटी लीवर हो लीवर स्रोसिस हो लीवर की वैसे गर्मी बढ़ गई हो तो ये कैप्सूल दिया जाए तो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और ज़्यादा दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है एक आधी दवाई से पेशेंट ठीक होता है और ये बोतल उठाना मैडम मैं बता दूँ जरा देखो है ना आपके जितनी लंबी <laughs> ये देखो ये है बैदबान का हिम पावर येलो हिम पावर येलो का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी येलो फ्रूट हैं, उन सब का एक्सट्रैक्ट है चाहे वो मैंगो है चाहे वो एप्पल है चाहे वो ग्रेप्स हैं, जितने भी ये इस कलर के हैं उस सब का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर अब हम लोगों को कहते हैं कि भाई सुबह सुबह दस बजे आप फ्रूट खाइए भाई नहीं टाइम लोगों के पास हाँ, सही जो खा लेते हैं वो अच्छे हैं जो नहीं खा पाते बच्चे पी में रह रहे हैं कई बच्चे सुबह बाइक पे चढ़ जाते हैं किक मार के रात तक घूमते रहते हैं कंधे पे बैग टांग के तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई गई तो इसको अगर 11 बजे 10 बजे 9 बजे जब भी आप नाश्ता करते उसके 10 मिनट बाद इसके छः चम्मच पानी में डाल के लेंगे आपको जूस का मज़ा आता है और इसके अंदर पूरा बिल्कुल जैन ये वो नहीं है जो कहते ना रियल जूस वगैरह बनते हैं ये वो नहीं है ये सच में रियल है इसमें okay. कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है कोई टेस्ट नहीं डाला गया अलग से ये अपने आप में खुद ही एक टेस्ट है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैदबान डॉट कॉम पर और इसके अंदर है सारे रेड फ्रूट जी. जैसे गाजर है चुकदर है उन सब का फ्लेवर ये हम कहते हैं खाना खाने से पहले सवेरे खाली पेट लें okay. तो आनंद ही आनंद है जी ना लीवर खराब ना गट हेल्थ कमज़ोर हो और ऐसी चीज़ें अगर आप अपने फ्रिज में रखेंगे अपने घर में रखेंगे तो धीरे धीरे देखना जो आपने किचन बनाया था जी वो रसोई बन गया है अब जो रसोई बन गया है तो उसमें रस भर गया है है अब रस जो है, वो आपको अच्छी सेहत देने वाला है आपके मुंह पे चमक देने वाला है आपके बालों में अच्छी लमक देने वाला है वा, तो ये चीज जी बहुत अच्छी बात कही सर आपने लेकिन एक और प्रॉब्लम है समस्या है जिससे हर इंसान परेशान है हर बीमारी पेट से ही हो जाती है कोई भी चीज है है पेट से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसा क्यों और इसको फिक्स करने करने ठीक के लिए क्या किया जा सकता है अरे अरे अरे, 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 अरे। गट हेल्थ जो है, जो है पेट की अब किसी को धर्न पड़ गई धर्न पक गई अब उसको क्या होता है भूख नहीं लगती खाया नहीं जाता अगर खाता है तो उल्टी आती है कुछ भी खाओ यहाँ जलन हो गई बाहर को आता है उसको हम कहते हैं एसिडिटी हो गया फिर हम कहते हैं इसको कब्ज हो गया फिर उसको कहते हैं कि इसको जलन भी हो रहा है और उसको सबसे ज़्यादा क्या होता है कभी कभी पेट में दर्द भी होता है जी। ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है खाने के बाद जीरा अजवा और सौंफ तीन चीज़ों का पाउडर बना के रखें तवे पे रस्त करके पाउडर बनाना है सूखा नहीं बनाना जब वो गर्म हो जाए तवे पे तप ता, जाए अच्छे से फिर उसका पाउडर बनाओ भोजन के बाद आधा चम्मच खाते जाओ डेली खाओ खाते जाओ खाते जाओ पांच छह महीने के बाद बोलेंगे आपकी थैंक यू गोयल साहब गट हेल्थ तो बहुत अच्छा हो गया और ये बात आपको और बता दूं कि जिनके लीवर में जिगर में गर्मी है दिमाग में गर्मी है पैरों में आग निकलती है सुबह खाली पेट उठ करके एक खीरा जरूर खाया करो जी। एक खीरा ठंड हो गर्मी हो अगर सर्दी है तो खीरे को गर्म पानी में गेर दो थोड़ी देर वो गर्म नरम नरम सा हो जाएगा छिलका उतार के खा जाओ अगर गर्मी है तो ठंडा करके खाओ नो प्रॉब्लम खीरा खाली पेट खाओ तो गट हेल्थ ठीक रहता है और एक प्रोडक्ट आज मेरे टेबल पे नहीं है मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जी अमृत जेड आई जी अमृत हमारी साइट पे पड़ा है डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट वैदबान डॉट कॉम पर आप साइट पे जाओ जाकर के ऐसी चीज़ें ढूंढो, देखो पढ़ो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और लास्ट में एक चीज़ लिखी होती है कि परहेज़ बहुत जरूरी है अगर उस पर लिखे हुए परहेज़ कर सकते हो तभी ऑर्डर करना वरना मत ऑर्डर करना पैसा बहुत मुश्किल से बनता है और सेहत भी फिर मुश्किल से बनती है अगर अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हो तो परहेज़ कर सकते हो तभी हमारी साइट पे ऑर्डर करना वरना जिंदाबाद आप भी बढ़िया जी रहे हो हम भी बढ़िया जी रहे हैं हमें वही लोग चाहिए जो हमारी बात मान करके ट्रीटमेंट करेंगे और बाद में फिर बोलेंगे थैंक यू जी।, जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक दवाइयों के बारे में गोयल जी बताया है उम्मीद करते है को दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आया होगा हुआ किन बीमारियों के लिए कौन कौन सी दवाई लेनी है बाकी आप तो हैं ही हर एपिसोड में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके स्वास्थ्य और उनके हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती होगी तो दर्शकों फिलहाल समय कम है तो अभी के एपिसोड में सिर्फ इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा लेकिन आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आप भी वैदमान से ये दवाइयाँ मंगाना चाहते हैं तो प्लीज 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 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही मंगाए आपके टीवी स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट चल रही होगी उसी पर जाकर ऑर्डर करे और जल्दी से स्वस्थ हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी धन्यवाद दर्शकों